90 के दशक के इन दो एक्टर्स को पहचाना आपने, ये है सिद्धार्थ जिन्होंने बाजीगर फिल्म में काम किया था, और ये है शांति प्रिया जो कि अक्षय कुमार के साथ फिल्म सौगन से बॉलीवुड में लॉन्च हुई थी। सिद्धार्थ ने बाजीगर के अलावा वंश, पहचान और पन्हा समेत करीब 20 फिल्मों में काम किया था। वो मशहूर फिल्मकार वी शांताराम के पोते थे और फिल्मी माहौल में ही पले बड़े थे, लेकिन अफसोस बॉलीवुड में वो कोई खास पहचान नहीं बना पाए। आपको बता दें, साल 1992 में शांति प्रिया ने सिद्धार्थ रे से शादी कर ली थी। शादी के बाद इस कपल के दो बच्चे भी हुए। जब उन्हें लगा कि अब जिंदगी अच्छी चल रही है, तभी साल 2004 में उनकी जिंदगी में सबसे बड़ा तूफान आ गया। सिद्धार्थ रे की हार्ट अटैक से मौत हो गई। सिद्धार्थ रे उस वक्त सिर्फ 40 साल के थे और शांति प्रिया की उम्र 35 साल की थी। सिद्धार्थ को खोने के बाद शांति प्रिया के कंधों पर उनके दोनों बच्चों की परवरिश की जिम्मेदारी आ गई और एक लंबा वक्त उन्होंने बहुत परेशानी में काटा। वहीं शांति प्रिया के दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं और वो एक बार फिर से फिल्मों में लौट रही हैं। बता दें कि शांति को हालिया रिलीज वेब सीरीज धारावी बैंक में देखा गया। इसके अलावा वो सरोजनी नायडू पर बनी एक फिल्म में काम कर रही हैं। हाल ही में अपनी लाइफ, सिद्धार्थ से शादी और फिर उनके निधन के बाद की जिंदगी पर शांति प्रिया ने बातचीत की। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा कि हाँ, मैं प्यार में पड़ गई थी, इसलिए मैंने शादी कर ली। शादी के बाद मैं फिल्मों से दूर हो गई क्योंकि मैं अपने परिवार को अपना 1000% देना चाहती थी। आज हमारे दो सुंदर बेटे हैं, शुभम 27 साल का है और शिष्या 21 साल का है। मैं 30 साल बाद भी उसी परिवार के साथ रह रही हूँ। मैंने 1992 में शादी की और उसी परिवार में मैं अभी तक हूँ। कभी बॉलीवुड की खूबसूरत हीरोइन रही शांति प्रिया अब 53 साल की हो चुकी है और सोशल मीडिया पर खूब एक्टिव रहती है। साउथ ब्यूटी शांति प्रिया ने 90 के दशक में सौगंध, मेहरबान, इक्के पेक्का, फूल और अंगार जैसी फिल्में की, लेकिन 1994 के बाद वो बॉलीवुड से गायब हो गई। शांति प्रिया के बॉलीवुड से रातों रात गायब होने के पीछे भी एक कहानी है और उस दर्द को एक्ट्रेस ने खुद बयां किया था। एक इंटरव्यू में शांति प्रिया ने बताया था कि उनके सांवले रंग की वजह से फिल्म के सेट पर डायरेक्टर्स उनका मजाक बनाते थे, बात बात पर जलील करते थे। जब शूटिंग के लिए शांति प्रिया कैमरे के सामने आती थी तो उनसे पूछा जाता था कि उनका मेकअप किसने किया है, उनका स्किन कलर मेकअप के बाद भी इतना डार्क क्यों दिख रहा है। एक बार तो उनकी फिल्म के हीरो अक्षय कुमार तक ने उनके सांवले रंग का मजाक बना दिया था। शांति प्रिया ने एक बार अजय देवगन की एक फिल्म के लिए भी स्क्रीन टेस्ट दिया था, लेकिन उन्हें फिल्म से ये कहकर बाहर निकाल दिया गया कि फिल्म के प्रोड्यूसर्स को गोरी एक्ट्रेस चाहिए। एक के बाद एक जब कई फिल्मों से सिर्फ स्किन कलर की वजह से शांति प्रिया को बाहर कर दिया गया, बॉलीवुड से उनका दिल उतर गया। उन्होंने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।